हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने हाँ आज हम बात करेंगे कि जैसे ही हम कोई नेट से किसी भी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं। जब भी हम डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये देखो जी, मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी है, एक्सॉफ्ट टूल। जैसे भी मैं इस पे क्रिएट डाउनलोड लिंक, जैसे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो अलग ही पेज ओपन हो जाता है। ऐड बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं जब भी हम क्लिक करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं। हम थक जाते हैं कर कर के, क्लिक कर कर के, लेकिन हमारी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होती है। जो हमें फ़ाइल चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, देखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग भी आसानी से फाइल डाउनलोड कर सको। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो ये फाइल डाउनलोड नहीं होएगी। ये देखो जी, जब भी हम क्लिक करते हैं अलग ही ऐड यहाँ पे ओपन हो जाती है। मैंने भी इसको 1 घंटा से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं डाउनलोड कर पा रहा हूँ। ये देखो जी, जब भी हम क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें क्या करना है। ये सारी ऐड को हमें कट कर दिया और हम हमारे क्रोम की इस ऑप्शन में जाते हैं, सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आएगा मोर टूल। मोर टूल में हम जाएंगे, चलो इसको छोड़ो, आप सीधा गूगल में जाते हैं, न्यू टैब खोलते हैं, गूगल में सर्च करते हैं ADP एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। ये आ गया एड ब्लॉक प्लस फ्री एड ब्लॉकर, इसको हम ऐड टू क्रोम पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में ये ऑप्शन आता है ऐड एक्सटेंशन, तो हम ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है, कुछ समय लगेगा, 2-4 मिनट, 2-4 सेकंड। ये लो जी, ये हमारा हो गया है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और अब हम जाते हैं दोबारा सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग में गए, यहाँ पे आ गया मोर टूल। मोर टूल के बाद हम जाते हैं एक्सटेंशन में, ये एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो जी हमारा ABP एड ब्लॉकर प्लस फ्री एड ब्लॉकर यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, अब हम ये कन्फर्म हो गया कि हमें इंस्टॉल हो गया है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे कट कर दिया। अब हम वापस हमारी जो फाइल डाउनलोड करनी थी हम उस पे आते हैं। ये देखो, ये हम फाइल डाउनलोड कर रहे थे, ये हो गया, आई एम नॉट ए रोबोट। अब हम हमारा क्रिएट डाउनलोड लिंक जो है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखो जी, हम फर्स्ट क्लिक में ही हमारा डाउनलोड लिंक आ गया है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। ये लो जी, ये देखो जी, हमारा टूल अब डाउनलोड हो गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप सभी आपकी विंडो पे आने वाली ऐड
सभी ऐड आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो फाइल आपको डाउनलोड करनी है, जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, वही डाउनलोड होगी, एक्स्ट्रा कोई भी लिंक ओपन नहीं होएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस समस्या से छुटकारा पा सकें। जैसे ही कोई ऐड खुलती है, इसमें हमारे हैकिंग के चांस भी 90% तक बढ़ जाते हैं। किसी में कोई वायरस होता है, कोई हैकिंग वायरस होता है, तो हमारे पीसी को हैक कर लेता है। तो दोस्तों, ये अपना एबीपी जो सॉफ्टवेयर है, ये अपना इंस्टॉल करके रखो, ताकि आपकी विंडो में कोई भी ऐड फालतू न आए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।